हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी यूजीसी नेट। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, सभी को गुड इवनिंग। पोपी लोधा, सना खान, शशांक, सुनीता, जयंती, गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, गुड इवनिंग। सो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्किटेक्चर की। कल हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका डिस्कस किया था, यानी हमने कल डिस्कस किया था कि कैसे भारतीय स्थापत्य कला का विकास होता है फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम में। हमने कल देखा था कि आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में क्या डिफरेंस होता है, यानी स्थापत्य कला और मूर्ति कला में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये मैंने कल आपको समझाने की कोशिश की थी। और दोस्तों आज हम हड़प्पा की जो आर्ट एंड कल्चर है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी सिंधु सभ्यता का जो आर्ट एंड कल्चर है, सिंधु सभ्यता का जो स्थापत्य कला है, सिंधु सभ्यता की जो मूर्ति कला है, उसको एक एक चीज को आज डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि सिंधु सभ्यता की टाउन प्लानिंग क्या थी, आज हम डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन कौन से ऑर्नामेंट होते थे, कौन कौन सी बिल्डिंग्स होती थी, ठीक है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का सेशन गाइज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, आप सभी लोग वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उसमें सब में प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर आप कर दीजिए गाइस, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हड़प्पा सिंधु या सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो हमारा आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर दोनों को आज हम डिस्कस करेंगे, यानी स्थापत्य कला और मूर्ति कला दोनों को आज हम डिस्कस करेंगे। नाउ आगे चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान की। गाइज अगर आप मेरा प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो फॉर पेपर टू, यानी हिस्ट्री के लिए, और हिस्ट्री में दोस्तों हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री प्लस एंशियंट हिस्ट्री हमारी चल रही है। अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो शिव10 मेरा रेफरल कोड है, यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अगर रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट यहां से गाइस मिल जाएगा। एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों यूट्यूब पे हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, प्लस पे हम पढ़ाई करेंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लस कोर्स ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको अच्छा खासा फायदा होगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा प्लस कोर्स ज्वाइन करने से, आपकी जो प्रिपरेशन है गाइस वो एक्सट्रीम लाइन प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस आप प्लस कोर्स ज्वाइन कीजिए, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। और एक चीज आप बताना चाहता हूँ कि एक ही सब्सक्रिप्शन में आपके पेपर वन और पेपर टू दोनों क्लियर हो जाएंगे, यानी एक पेपर वन की जितनी भी यूनिट्स है वो सब कवर हो जाएंगी, और पेपर टू में दोस्तों आपके लिए मैं हिस्ट्री को कवर अप कर रहा हूँ। तो आप जो भी लेना चाहते हो प्लीज यूज माई रेफरल कोड शिव10, क्योंकि इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। प्रोसेस गाइज सबसे पहले इंस्टॉल करना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने गोल सेलेक्ट करने, गोल में यूजीसी नेट आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे कर देना है क्लिक, देन उसके बाद में आपको प्लान चूज करने हैं आपके। तो प्लान में आपको या तो 12 मंथ वाला चूज करना है या 24 मंथ वाला, यहां से आपको दोस्तों ज्यादा बेनिफिट होगा 12 मंथ वाले या 24 मंथ वाले में। फीस की बात करें तो 12 मंथ की है 11,550, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे तो आपकी फीस कम हो जाएगी, यानी 10% इसमें डिडक्शन हो जाएगा, 10% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, और आपकी फीस हो जाएगी दोस्तों 10,395 रुपए। उसके बाद में दोस्तों हमारा आपको क्या है, रेफरल कोड लगाने के बाद आपको क्या है, पे कर देना है। और फाइनली दोस्तों एक चीज और है यहाँ पे, आप इंस्टॉलमेंट में भी यहाँ पे फी को पे कर सकते हो, यानी दोस्तों बात करें तो 700 से 800 रुपए आपके पर मंथ फीस आएगी, बहुत ही नॉमिनल फीस है गाइस, 700 रुपए हर कोई पे कर सकता है इसको। तो प्लीज अगर आप पढ़ना चाहते हो, अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो प्लस पे आ जाइए, प्लस पे हम बहुत अच्छे से एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस आप कर रहे हैं। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए गाइस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप जुड़ जाइए, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। और दोस्तों प्लस कोर्स के फायदे क्या क्या है, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्विजेस मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे रेगुलर, यहाँ पे डाउट सेशन होते हैं, रिविजन कैप्सूल दिए जाएंगे, मोर पर्सनल इंटरेक्शन आपका होता है। तो बहुत सारे फायदे हैं प्लस कोर्स ज्वाइन करने के लिए, तो आप सभी लोग प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, शिव कुमार नाम से मेरा प्रोफाइल है, ठीक है, यहाँ से अनअकैडमी से फॉलो कर लीजिए, जिसके पास जिससे आपके सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको आ जाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो गाइस स्टार्ट करते हैं, प्लीज एक बार वीडियो को आप सभी लाइक और शेयर कर दीजिए, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए,
दोस्तों कल हमने बात कर ली थी थोड़ी सी आर्किटेक्चर के बारे में क्या हुआ था, फिर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में क्या डिफरेंस है, यानी स्थापत्य कला और मूर्ति कला में क्या डिफरेंसेस है। हमने देखे थे साइज में डिफरेंस होता है, मटेरियल यूज में डिफरेंस होते हैं थोड़े से, प्रिंसिपल्स में डिफरेंस होता है, और एग्जाम्पल में मैंने बताया था आर्किटेक्चर में ताजमहल, लाल किला, और स्कल्पचर का एग्जाम्पल बताया था नटराज और डांसिंग गर्ल की फोटो मैंने आपको बताई थी। यानी ये हो गया हमारा आर्किटेक्चर और ये हो गया हमारा स्कल्पचर, ये मैंने आपको कल बता चुका हूँ। उसके बाद में हमने बात की थी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, भारतीय स्थापत्य कला को हम कितने भाग में क्लासिफाई करते हैं। देखो, हरप्पन आर्ट, मौर्यन आर्ट, पोस्ट मौर्यन आर्ट, गुप्ता आर्ट, साउदर्न आर्ट, साउथ इंडियन आर्ट। उसके बाद में दोस्तों मिडिवल इंडिया में हम दिल्ली सल्तनत और मुगल आर्ट इसमें डिवाइड करते हैं। मॉडर्न पीरियड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हम इंडो गोथिक स्टाइल और नियो रोमन स्टाइल। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों हड़प्पन आर्ट की, यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC सिविलाइजेशन है उसकी आर्क एंड आर्किटेक्चर, उसकी स्थापत्य कला को आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। सो गाइस, मैं कल आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्कल्पचर, सील्स, पोट्रीज, ज्वेलरीज, ठीक है, उसकी टाउन प्लानिंग को डिस्कस करेंगे, कैसे उसकी रोड्स होती थी, हाउसेस कैसे होते थे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ, सबसे पहले दोस्तों ये मैंने आपको कल भी बताया था, दोबारा से रिवीजन करवा देता हूं कि हड़प्पा से क्या क्या मिला है हमें। ग्रेट ग्रेनरी मिली है, सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म मिला है, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि मदर गोडेस मिली है, ठीक है, ये सब मिला है। मोहनजोदारो से हमें क्या मिला है, ग्रेट बाथ मिला है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल मिली है, पशुपति की सील मिली है, और स्टेटाइज स्टोन ऑफ प्रिस्ट, एक पुजारी की आपको मूर्ति मिली है यहाँ से। टेराकोटा प्लो मॉडल मिला है आपको, कॉटन क्लोथ्स यहाँ से मिले हैं। धोलावीरा दोस्तों लार्जेस्ट साइट है इंडिया में, ये मैंने आपको कल बताया था, 3-pit डिवीजन मिलता है, लार्जेस्ट कंटिन्यूस इन रेडिकल पैटर्न, ठीक है, स्टेप वॉल हमको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, यानी बावड़िया हमको यहाँ पे मिलती हैं। उसके बाद में लोथल में दोस्तों मैंने आपको बताया था डोकियाड मिलता है, राइस हस्क मिले हैं, डबल स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पे मेरे को मिली है। रंगपुर से मेरे को राइस हस्क मिला है, चहुंदरों से दोस्तों बीड मेकिंग इंडस्ट्री हमको मिली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आते हैं गाइज, ये जितना भी ये टेबल है गाइज, यहाँ से आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, और बहुत प्रोबेबल है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। बनावली से दोस्तों यहाँ पे ट्रेडिशन प्लो मिला है, फायर अल्टार मिला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्रिड पैटर्न नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। सुरकोटडा से हमें क्या मिला है, घोड़े के अवशेष मिले, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है UPSC के एग्जाम्स में भी, ये 2019 के प्रीलिम्स में ये पूछा गया था, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। दोस्तों रोपड़ से हमें डॉग ह्यूमन बिरियल मिलता है, यानी कुत्ते और इंसान को एक साथ दफनाया था वो मिलता है, ठीक है, ये सारी चीजें मिलती है। कालीबंगा से हमें क्या मिला है, प्लो फील्ड मिली है, फायर अल्टार मिले हैं, और बेंगल्स मिले हैं। मेहरगढ़ से क्या मिला है दोस्तों, हमें कॉटन क्लॉथ मिले हैं। तो ये सारी चीजें आपके हैं MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस टेबल को आप अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिए। प्लीज गाइज, एक बार मेरे को सभी लोग कमेंट करके बताइए आपको क्लियर है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्लियर है सारी चीजें, लेट मी नो एक बार। और एक बार प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, थम्सअप कर दीजिए अगर आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मेरे से प्लीज एक बार पूछिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, वो सारी डाउट आपको मैं क्लियर करूंगा गाइज। ओके, नाउ देखो एक चीज यहाँ पे समझने की बात है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी गाइज, उसके कुछ कॉन्टेम्प्रेरी यहाँ पे सिविलाइजेशन होती है, उसके कॉन्टेम्प्रेरी कुछ सिविलाइजेशन होती है, यानी उसके साथ साथ में कुछ सिविलाइजेशन चलती है। तो दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट उसकी कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, यानी समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी है उसकी, समकालीन सभ्यताएं दोस्तों है, एक तो हमारी है सुमेरियन सिविलाइजेशन, जिसको हम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन बोलते हैं। और दोस्तों ये सुमेरियन सिविलाइजेशन कहाँ पे है, ये सुमेरियन जो सिविलाइजेशन है ये टिग्रिस और यूफ्रेटस रिवर के किनारे पे है। उसके बाद में दोस्तों है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, और दोस्तों इजिप्शियन सिविलाइजेशन किसके किनारे है, नाइल रिवर के किनारे। और उसके बाद में है दोस्तों चाइनीज सिविलाइजेशन, ये है हवांगो रिवर के किनारे। ये तीनों की तीनों जो दोस्तों सभ्यताएं हैं, ये हड़प्पा की क्या है, समकालीन सभ्यताएं हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इनसे हमारा ट्रेड ये होता है, तो इन जो आर्किटेक्चर का भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मैप की ओर से समझाता हूँ, ये हो गया दोस्तों हमारा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ये हमारी है इंडस वैली सिविलाइजेशन इन IVC, ये है हमारी चाइनीज सिविलाइजेशन, ये हुआंगो रिवर के किनारे है, ठीक है, और ये हो गया हमारी इजिप्ट सिविलाइजेशन, ये है हमारी नील नदी के किनारे,
ठीक है, मैंने आपको बताया। और यहाँ पे कौन सी नदियां हैं दोस्तों? टिग्रिस यानी दजला और फरात नदी, टिग्रिस एंड यूप्रेटस, यूप्रेटस ठीक है, दजला और फरात नदी यहाँ पे है गाइस, ये आपको याद में रखना है। नाउ मैंने कल आपको एक्सटेंड बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार क्या है, तो दोस्तों ये मांडा है जम्मू कश्मीर से है, आलमगीर पीर यूपी है, दैमाबाद महाराष्ट्र है, अफगान बॉर्डर सुतका गेंडोर है, ये सारी चीजें आपको कल मैंने समझा चुका हूं। नाउ देखो अब बात करते हैं थोड़ा सा बेसिक्स की। दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसको हम ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको ब्रोंज मिलता है। अब दोस्तों ब्रोंज क्या होता है? ब्रोंज होता है दोस्तों कॉपर का एलॉय, ब्रोंज एक एलॉय होता है, ठीक है, किसका एलॉय होता है एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइए कि दोस्तों ब्रोंज किससे बनता है, ब्रोंज किससे बनता है? ब्रोंज दोस्तों एलॉय होता है कॉपर प्लस टिन का, ठीक है, कॉपर प्लस टिन से होता है, तो इसको हम ब्रोंज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं। इसको प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो स्क्रिप्ट है दोस्तों, ये वाली ये स्क्रिप्ट है इसकी, इसको हम ब्रोस्टोफ्रोडन स्क्रिप्ट बोलते हैं, ये अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है, यानी ये जो स्क्रिप्ट है ये अपठनीय है, ठीक है, नोट डेसिफर हुई है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। इसकी स्क्रिप्ट को ध्यान रखिएगा, ब्रोस्टोफ्रोडन स्क्रिप्ट है, ठीक है, इसको हम सर्पिलाकार स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसको कैसे लिखते हैं दोस्तों, जनरली हम लिखते हैं यहां से, लेकिन इसको लिख रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, तो ये एक सर्पिलाकार आकृति बनाती है, इसीलिए मैंने इसको बोला है सर्पिलाकार लिपि, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्रोस्टोफ्रोडन स्क्रिप्ट, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ अब दोस्तों आगे चलते हैं, बिल्कुल सही है खुशबू आपका, कॉपर प्लस टिन से हमारा बनता है ब्रोंज, ओके गाइस। नाउ अब दोस्तों आर्किटेक्चर की बात करते हैं हड़प्पा के, तो आर्किटेक्चर की बात करें तो दोस्तों जो टाउन है वो हमारे किस पे बने होते थे? रेक्टेंगुलर पैटर्न पे, सबसे बड़ी चीज है, सबसे पहली कौन सी है? जो टाउन है हमारे गाइस वो किस पे बने होते थे? वो रेक्टेंगुलर पैटर्न पे बने होते थे, ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न, ओके। जो हमारी रोड्स होती थी दोस्तों वो एक दूसरे को कैसे कट करती थी? वो एक दूसरे को कट करती थी राइट एंगल पे, ठीक है, यानी कैसे चलती थी वो? नॉर्थ टू साउथ जाती थी गाइस, और जाती थी ईस्ट टू वेस्ट, ये होती थी हमारी रोड्स, ठीक है, हड़प्पा की रोड होती थी ऐसी है, ये आपको याद रखना है गाइस। और यहाँ पे जो बिग रोड्स होती थी, डिवाइडेड द सिटी इन नंबर ऑफ ब्लॉक्स, दोस्तों आज भी हम जब हमारी जो मेगा सिटीज होती हैं, जो सिटी होती है वहां पे ब्लॉक डिवीजन होता है, ब्लॉक में डिवाइडेड होते हैं, तो ये रोड्स थी दोस्तों ये ब्लॉक के अकॉर्डिंग डिवाइडेड होती थी, इस तरह से कुछ ही डिवाइडेड होती थी, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों तीन तरह की बिल्डिंग्स होती हैं यहाँ पे, एक होता है ड्वेलिंग हाउसेस, दूसरा होता है पब्लिक बिल्डिंग, और तीसरा होता है पब्लिक बाथ्स, ये तीन तरह की हमें मिली, यानी एक तो घर मिले हैं हमें, एक पब्लिक बिल्डिंग मिली है, और दोस्तों दूसरे मिले पब्लिक बाथ, ये हमें मिले हैं। अब देखो इस फ्लोर चार्ट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, तो आपको हड़प्पा की टाउन प्लानिंग का समझ में अच्छे से आ जाएगा। दोस्तों टाउन प्लानिंग का देखें तो दोस्तों टाउन प्लानिंग देखो ऐसी होती थी हमारी टाउन प्लानिंग, इसको आप अच्छे से देखिए, ये देखिए ये नाली जा रही है, बीच से ड्रेनेज सिस्टम है, ये हमारे ऐसे घर हुआ करते थे, ठीक है, और यानी सामने से ड्रेनेज पैटर्न निकलता था, यानी ऐसे इनका ड्रेनेज आता था और एक चैनल में यह मिलता था, और सिटी के बाहर जाके इसको ड्रेन मतलब खाली हुआ करता था। अब देखो इसको समझिए आप टाउन प्लानिंग को अच्छे से, तो दोस्तों टाउन्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड है यहाँ पे, एक अपर सिटाडेल है, एक अपर टाउन है विद सिटाडेल पार्ट है, और एक लोअर पार्ट है। देखो यहाँ पे आप अच्छे से देखिए, ये हो गया हमारा सिटाडेल और ये हो गया लोअर सिटी, ठीक है, यानी एक अपर पार्ट हो गया, ये अपर पार्ट हो गया और लोअर पार्ट हो गया, एक तो ये चीज होगी। उसके बाद में दोस्तों मटेरियल क्या यूज होता था यहाँ पे? मटेरियल यूज होता था सन ड्राइड ब्रिक्स, यानी यहाँ पे पकी हुई जो ईंटें हैं वो यूज होती थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में दोस्तों बेक ब्रिक्स भी यहाँ पे यूज होती थी, तो मटेरियल ये यूज होता था। दोस्तों मैंने आपको तीन तरह के हाउसेस बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं? एक प्राइवेट हाउसेस बताया है, एक लार्ज हाउसेस सराउंडेड बाई स्मॉलर यूनिट्स ये बताया है, और एक लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर बताया है, ठीक है। तो प्राइवेट हाउसेस दोस्तों कैसे होते थे? जो उनके पर्सनल हाउसेस होते थे वो कैसे होते थे दोस्तों? बोथ सिंगल एंड मल्टी स्टोरी रूम, देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हाउसेस हैं, तो देखो आपको सिंगल स्टोरी भी दिख रहा है और मल्टी स्टोरी भी दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना गाइस, सिंगल स्टोरी और मल्टी स्टोरी दोनों है, ये आपको देखना है। उसके बाद में दोस्तों सिंगल और मल्टी स्टोरी होते थे, उसमें भी दोस्तों बहुत सारी एमिनिटीज होती थी, जैसे वेल एंड वाटर रिजर्वेयर आर कॉमन, उनमें वाटर रिजर्वेयर होता था, टैप इनसाइड एवरी होम, हर होम के अंदर टैप हुआ करती थी, कितना इंपॉर्टेंट और कितनी डेवलप ये सिविलाइजेशन से आप देख सकते हो। बाथिंग एरिया एंड ड्रेन वर मेड विद ब्रिक्स,
बेक ब्रिक्स और स्टोन, जो हमारा जो बाथ होते थे, जो लेट बाथ होते थे गाइज, वो बेक ब्रिक्स से बनाए जाते थे। ठीक है, टू स्टोरी हाउसेज वर कॉमन, ज्यादा से ज्यादा टू स्टोरी हाउसेज हुआ करते थे। रूम्स वर पेव्ड विद द ब्रिक्स और फायर टेरिकोटा केव्स किट्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको देखना है कि लार्ज हाउसेस सराउंडेड बाय स्मॉलर यूनिट, ये बताया दोस्तों। ग्रेनरीज मिली है हमें, सिटाडेल ये मिले हैं। ग्रेनरीज मतलब जहां पे अन्न को भंडार, मतलब अन्न को वहां पे स्टोर किया जाता था, उसको बोलते हैं हम ग्रेनरीज। ओके नाउ उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं रोड्स की। तो रोड्स का मैंने बताया स्ट्रेट रोड हुआ करती थी, ग्रिड और रेक्टेंगुलर पैटर्न्स पे हुआ करती थी, यानी एक दूसरे को ऐसे कट किया करती थी। ड्रेनेज पैटर्न की बात करें तो दोस्तों अंडरग्राउंड और कवर ड्रेनेज होता था हमारा, कनेक्टेड फ्रॉम रियर साइड ऑफ द हाउसेस। देखो ये है हमारा ड्रेनेज पैटर्न और ये हमारा हाउस, तो यहाँ से इसको कनेक्टेड होता था। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें हुआ करती थी गाइस। नाउ सिटाडेल का मतलब बताया दोस्तों, एक अपर पार्ट होता था, एक लोअर पार्ट होता था दोस्तों। और इसमें दोस्तों क्या क्या होता था, मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होती थी, ग्रेनरीज, ये सारी चीजें हुआ करती थी। और दोस्तों यहाँ पे जो ग्रेनरीज हुई है उनमें एयरडक्स भी आपको मिलेंगी। एयरडक्स मतलब कैसे मिलेंगी, जैसे ये ग्रेनरी है दोस्तों, तो आपको हवा पास होने के लिए एक होल मिलता था, तो इससे क्या होता था, जो हमारा ग्रेन होता था वो वेस्ट में नहीं जाता था, यानी वो सड़ता नहीं था, ये चीज आपको याद रखनी है। एक सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है दोस्तों ग्रेट बाथ। ये ग्रेट बाथ हमें कहां से मिला है, ये देखिए, ये ग्रेट बाथ दोस्तों हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। और यहाँ पे दोस्तों ये इतना बड़ा है कि हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता था, रिचुअल बाथिंग होती थी, रिचुअल बाथिंग यहाँ पे हुआ करती थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, प्राइवेसी के लिए भी आपको प्रॉपर सुविधा है, क्योंकि यहाँ पे आप साइड में देखिए यहाँ पे क्या बने हुए हैं, चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं, चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं यहाँ पे। तो चेंजिंग रूम्स का मतलब हम क्या बता सकते हैं कि औरतें हैं, वुमेन्स हैं, उनकी प्राइवेसी का अच्छा खासा ध्यान यहाँ पे रखा जाता था। ठीक है, तो आपको याद रखना पब्लिक बाथ कहाँ पे मिला है, ये हमें मिला है मोहनजोदड़ो में। ठीक है गाइज, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं लोअर पार्ट ऑफ द सिटी, जो लोअर पार्ट होता था सिटी का, यानी जो सिटा ये हो गया हमारा अपर पार्ट, लोअर जो पार्ट है वहां पे क्या होता था गाइज, वहां पे आपको क्या मिलेगा, वन रूम houses have been found which might have been used for quarters by the working class people। ठीक है, यानी हम ये यहाँ बता ऐसा अनुमान लगाया है historian ने कि यहाँ पे working class people रहा करते होंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो houses हैं उनके ऊपर stairs भी मिले हैं, यानी उनको सीढ़ियाँ भी मिली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको stairs मिले हैं, तो आप क्या पता लगा सकते हो कि जो houses होते थे वो double stories होते थे, यानी दो मंजिला भी यहाँ पे होते थे, ये भी आप बता सकते हो। उसके दोस्तों मोस्ट बिल्डिंग्स है प्राइवेट वेल्स एंड बाथरूम्स आर प्रॉपरली वेंटिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों सिटी प्लानिंग की खासियत है। यहाँ पे हर एक हाउसेस में दोस्तों उनके प्राइवेट बाथरूम्स हुआ करते हैं और उनकी वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड है। और सबसे स्ट्राइकिंग फीचर क्या है दोस्तों, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम है इनका। देखिए ये वाला ड्रेनेज सिस्टम जिसका मैं पहले ही आपको बता सकता हूँ, इससे क्या पता लगता है दोस्तों, उनको हाइजेनिक बहुत थे वो, बहुत पर्सनल हाइजेनिक और पब्लिक हाइजेनिक दोनों का ही ध्यान रखते थे। ठीक है, और ये जो ड्रेनेज सिस्टम था गाइज, ये टाइम टू टाइम ये क्या होता था, चेक होता था। ठीक है, वो चेक होता था कि दोस्तों आज देखो, आज हमारे यहाँ बाढ़ आती है, फ्लड्स आती है, वो क्यों आती है, क्योंकि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो प्रॉपरली नहीं है। थोड़े दिन पहले चेन्नई में बाढ़ आई थी, वो चेन्नई में बाढ़ क्यों आई थी, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं था। लेकिन हड़प्पा से हम सीख सकते हैं कि इतना अच्छा जो ये ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था गाइज। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है सभी को। ओके नाउ अब देखिए थोड़ा सा और मैं आपको रिफाइन करके बताता हूँ। ये देखो सिटाडेल हुए हैं, ठीक है, और ये हुआ है लोअर पार्ट हुआ है गाइस, और ये हमारा सेरिमोनियल ग्राउंड, यहाँ पे यहाँ फंक्शंस हुआ करते हैं उनके, और ये रिजर्व हुए हैं यानी पानी के लिए है। ठीक है, और दोस्तों एक चीज आपको याद रखनी है, चौहुंदरो एक ऐसी सिटी है जहाँ पे क्या है, सिटाडेल नहीं है, यानी यहाँ पे ये वाली चीज नहीं है। और धोलावीरा एक ऐसी सिटी है दोस्तों जो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। अक्सर मैंने बताया ना, एक लोअर एक अपर पार्ट होता था, एक लोअर, ये होता था दोस्तों सिटाडेल, सिटाडेल और ये होता था लोअर पार्ट। लेकिन जो धोलावीरा है गाइज, वहां पे आपको सिर्फ तीन पार्ट मिलेंगे, दो की बजाय आपको तीन पार्ट मिलेंगे, तो ये आपको अच्छे से थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद में दोस्तों सिटीज मैंने बताया था ग्रिड पैटर्न पे बनी हुई है। और प्रेजेंट टाइम की बात करें तो दोस्तों चंडीगढ़ ऐसी सिटी है जो ग्रिड पैटर्न पे बनी हुई है। आप चंडीगढ़ देखा होगा आपने, बहुत एग्जाम्पलरी सिटी है, सिटी सिटी जो डिजाइनिंग है उसकी बहुत अच्छे से की हुई है, तो चंडीगढ़ की तरह ये सिटीज हुआ करती थी। ये सब हमने डिस्कस कर लिया।
अब दोस्तों बात करते हैं स्कल्पचर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो प्लीज एक बार मेरे को थम्स अप करके सभी लोग बता दीजिए कि स्कल्पचर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन आपको समझ में आया। उसके बाद में मैं स्कल्पचर को आपके सामने डिस्कस करूंगा गाइस। तो प्लीज सभी एक बार कमेंट करके, सभी एक बार थम्स अप करके बताइए दोस्तों कि जो स्कल्पचर होते हैं वो आर्किटेक्चर आपको समझ में आया या नहीं आया, एक बार सभी लोग बताइए मेरे को। तो दोस्तों एक बार फटाफट सभी बताइएगा गाइस, सभी लोग। नाउ प्लीज वीडियो को एक बार आप लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखो माउंट्स ऑफ अपर सिटाडेल में थे या लोअर सिटाडेल में दोस्तों। माउंट का मतलब क्या होता है? माउंट देखो हड़प्पा है, ये कैसे माउंट्स तो दोस्तों दोनों में ही होते थे। यानी माउंट्स का मतलब क्या है? ऐसे होता था, यानी एक मर्तकों का टीला बोलते हैं उसको। तो हड़प्पा का मतलब क्या होता है? मर्तकों का टीला। जो सिटाडेल वाला पोर्शन है हमारा दोस्तों, वो मरता था माउंट्स पे, यानी वो ऊंचाई पे होता था, तो उसको हम माउंट्स बोल सकते थे। ठीक है, टीले। ठीक है गाइस, तो माउंट्स का यहाँ पे एक्चुअली मतलब क्या है? हड़प्पा का एक शाब्दिक अर्थ मैं बताऊं तो इसको बोलते हैं माउंट ऑफ डेट। ठीक है, माउंट ऑफ डेट, यानी इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? मर्तकों का टीला, इसी से इसका नाम पड़ा है हड़प्पा। नाउ अब देखो दोस्तों, अब बात करते हैं स्कल्पचर के। स्कल्पचर में दोस्तों क्या होता है? स्कल्पचर में मेनली क्या होता है? मूर्तियां। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हड़प्पा स्कल्पचर है दोस्तों, वर एक्सट्रीमली अडेप्ट एट हैंडलिंग थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम, यानी थ्री डायमेंशनल में होता था। पहली चीज मेरे को ये याद रखनी है। और दोस्तों क्या क्या स्कल्पचर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? स्कल्पचर में हम पढ़ने वाले हैं सील्स को पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रॉन्ज फिगर को पढ़ेंगे हम, और पोटरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल मर्तकों का टीला बोलते थे। ठीक है, बताओ क्या क्या पढ़ेंगे? सील्स पढ़ेंगे, ब्रॉन्ज फिगर पढ़ेंगे, और पोटरीज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं गाइस। तो देखिए सील्स ये होती थी गाइस, ये वाली सारी सील्स हैं, ये एक सिंगा की है। आपने मोहनजोदारो जब मूवी देखी है तो उसमें जो पिक्चर दिखाते हैं एक सिंगा की, वो यहीं से ली गई है गाइस। ठीक है, ये पाशुपति की सील्स है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है गाइस। ठीक है, अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं दोस्तों, उन्होंने अलग अलग सील्स को फाउंडेशन किया है। यानी यहाँ पे कौन कौन सी सील्स हुआ करती थी? तो सील्स हुआ करती थी मोनली स्केयर्स में हुआ करती थी। ठीक है, ट्रेंगुलर सील्स मिली है हमको, रेक्टेंगुलर सील्स मिली है, और सर्कुलर सील्स भी यहाँ पे मिली है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि कौन कौन सी सील्स मिली है हमें यहाँ पे? स्क्वायर में मिली है मेरे को, रेक्टेंगुलर सील्स मिली है, रेक्टेंगुलर सील्स मिली है, सर्कुलर में भी गाइज मेरे को मिली है। देखो आपके सामने एग्जांपल, और ये बनी किससे होती थी दोस्तों? स्टेटाइट से बनी होती है। स्टेटाइट क्या होता है? स्टेटाइट दोस्तों होता है एक सॉफ्ट स्टोन। ठीक है, एक सॉफ्ट स्टोन से ये बनी है सारी की सारी सील गाइस। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, और दोस्तों ये सील्स कहाँ पे मिली है? ये हमें मिली है रिवर्ड बेड्स पे मिलती है। ठीक है, और इनमें जो मटेरियल और यूज होता था दोस्तों, वो क्या होता है? चार्ट यूज होता था, कॉपर यूज होता था, फियांस यूज होता था, और टेराकोटा सील्स भी हमें मिली है। और कुछ इंस्टेंस में हमें कॉपर सील भी मिली है, गोल्ड सील भी मिली है, आइवरी की सील भी हमें यहाँ पे मिली है। तो आपको सील्स का ध्यान में रखना है, रेक्टेंगुलर सील्स मिली है, स्क्वायर सील मिली है, और सर्कुलर सील मिली है। मटेरियल क्या क्या यूज हुआ दोस्तों? स्टेटाइट मिला है, चट मिला है, फायंस मिला है, थोड़े छोटे मेटल्स में की भी सील्स मिली, यानी कॉपर, गोल्ड, आइवरी, इन सब की हमें सील्स यहाँ पे मिली है। नाउ उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं स्क्रिप्ट की। तो जो इसकी स्क्रिप्ट है दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये इसकी स्क्रिप्ट है, यानी इसकी जो राइटिंग स्टाइल है दोस्तों, वो राइट टू लेफ्ट बनाते हैं हम। ठीक है, ठीक है, बाई डायरेक्शनलाइज्ड स्टडी, यानी राइट टू लेफ्ट ऑन वन लाइन एंड लेफ्ट टू राइट ऑन द अदर हैंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। एक चीज आपको याद रखनी कि यहाँ पे हमें कौन कौन से जो सील्स है वहां पे क्या क्या मिला है हमें? सील्स में हमें मिले हैं दोस्तों यूनिकॉर्न, यानी एक सिंगा, हम्प बैल बुल मिला है मेरे को, राइनासोर हमको मिले हैं, टाइगर की डिपिकेशन है यहाँ पे, एलिफेंट है दोस्तों, वेफेलो मिला है, बिसोन मिला है, गोट मिला है, ये सब हमें मिले हैं। तो एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हड़प्पा में कौन कौन से जानवर थे, तो दोस्तों यहाँ पे सील्स में मिले हैं, मतलब वो जानवर वहां पे प्रेजेंट होंगे, ये आपको याद रखना है। आपको एक चीज यहाँ पे क्या याद रखनी है कि यहाँ पे काऊ का कोई एविडेंस आपको नहीं मिला है, तो इस चीज को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा कि गाय का हमें कोई अवशेष नहीं मिला है हड़प्पा में, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों ये सारी चीजें
ये देखिए यहाँ पे जो है इंस्क्रिप्शन ऑन बोथ द साइड मिलेंगे आपको, ये सील्स है, इसके पीछे भी खुदाई होती थी और आगे भी खुदा होता था, तो ये आपको याद अच्छे से रख लेना है कि सील्स कैसी होती थी, उस पर क्या क्या थे, कौन कौन से जानवर यहाँ पे मिलते थे। ओके, और गाइस जो सील्स हैं उनको किस किस के पर्पज से यूज करते थे, दोस्तों सील्स को यूज करते थे ट्रेड के लिए, ट्रेड एंड और कॉमर्स के लिए भी यूज करते थे सील्स को, ठीक है। और दोस्तों सील्स को किस लिए यूज करते थे, एमुलेट की तरह भी यूज करते थे, एमुलेट यानी वो गले में ताबीज वगैरह सब पहनते हैं ना, उसकी तरह भी इसको यूज करते थे ये सारी। और दोस्तों एजुकेशनल पर्पज के लिए भी जो सील्स हमारी हैं वो यूज होती थी, एजुकेशनल पर्पज के लिए भी हमें हमारी जो सील्स हैं वो यूज होती है, तो ये सारी चीजों के लिए सील्स यूज होते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल से हमारा सील का वो है पशुपति की सील्स यानी यूनिकॉर्न सील्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों ये है हमारी पशुपति की सील्स, ठीक है, और ये है हमारी यूनिकॉर्न की सील्स। अब दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निकलते हैं पशुपति की सील्स से, ठीक है, पशुपति की जो सील्स है यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि पशुपति की सील्स क्या थी। दोस्तों ये एक प्रोटोशिवा को डिपिक्ट करती है यानी प्रोटोशिवा की ये मूर्ति है। अब दोस्तों इसमें मूर्ति में है क्या है क्या इस दोस्तों इस मूर्ति में आपको तीन से आपको कितने मिलेंगे आपको, देखो एक ये जानवर है, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, तो चारों तरफ ये जानवरों से घिरा हुआ है यानी यहाँ क्या क्या है दोस्तों, एन एलिफेंट एंड टाइगर आर देयर ऑन द लेफ्ट साइड। देखो यहाँ पे एलिफेंट है और टाइगर है, ये हो गया एलिफेंट, ये है हमारा टाइगर दोस्तों। वाइल्ड राइनासोर्स, देखो राइनासोर्स बेफेलो आर ऑन द राइट साइड, यहाँ पे राइनो है, ये हमारा बेफेलो, ठीक है, एंड टू एंटीलोप्स आर सोन बिलो द सीट ऑफ द फिगर, यहाँ पे देखिए टू एंटीलोप्स आपको दिए हैं। तो इस फिगर के बारे में काफी क्वेश्चंस आपसे पुटअप हो सकते हैं गाइस पशुपति की सील से, तो अच्छे से याद रखेगा ये प्रोटोशिवा की मूर्ति है और इसमें कौन कौन से जानवर है ये सारी आपको याद रखनी है। और ये है हमारी वन होर्न यानी एक सिंगा की हमारी ये सील है, इसको भी आपको याद रखना है गाइस। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों ब्रॉन्ज फिगर मिली है, ये देखिए ये डांसिंग गर्ल है, इसकी हमें पिक्चर मिली है। अब दोस्तों ये डांसिंग गर्ल की जो पिक्चर मिली है किससे बनी है, ये बनी है लोस्ट वेस्ट टेक्निक से यानी सायर प्रूडू भी बोलते हैं इसको। अब दोस्तों लोस्ट वेस्ट टेक्निक क्या होती है, लोस्ट वेस्ट टेक्निक होती है दोस्तों, इसका मैं बताता हूँ क्या होता है लोस्ट वेस्ट टेक्निक क्या होता है। पहले हम क्या करते हैं कि जो वैक्स होता है दोस्तों उसको एक क्ले से हम क्या कर देते हैं, कोट कर देते हैं, ठीक है, जो ये वैक्स की मूर्ति होती है सबसे पहले उसको हम क्ले से क्या कर देंगे, कोटिंग कर देंगे। क्ले की कोटिंग करने के बाद दोस्तों उसको हम सुखा लेंगे और दोस्तों एक उसको, ठीक है, उसको फिर क्या करेंगे हम जो क्ले है उसको कोटेड कर देंगे, तो उसको हम क्या करेंगे मेल्ट करेंगे यानी इससे जो वैक्स निकलेगा उसको हम किसमें एक लिक्विड जो मेटल होता है उसको हम उस मेटल में पोर कर देंगे यानी एक होलो, यानी एक होलो होता है उसको हम उसमें पोर कर देंगे। और दोस्तों जब वो सूखेगा तब हम क्या करेंगे उसको हटा लेंगे यानी इस वैक्स को हम हटा लेंगे और यहाँ पे एक फिगर मिलेगी आपको, जो ब्रोंज की फिगर मिलेगी उसको बोलते हैं हम ब्रोंज डांसिंग गर्ल। तो इस टेक्निक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेक्निक, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और इस टेक्निक का हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन से दोस्तों, ब्रोंज डांसिंग गर्ल ये कहां से मिली है, ये डांसिंग गर्ल हमें ये मिली है मोहनजोदारो से, मोहनजोदारो से गाइस ये मिली है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना है गाइस, ठीक है। तो ये डांसिंग गर्ल है दोस्तों, ये वर्ल्ड की पूरे संसार की दोस्तों ये ओल्डेस्ट ब्रोंज स्कल्पचर है, एक आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कहाँ पे मिली है, मोहनजोदारो में मिली है और दोस्तों 4 इंच फिगर है और ये एक नेक्ड गर्ल की हमारी है, इसकी साइज क्या है 4 इंच, ये आपको याद रखना है। और ये क्या है दोस्तों, नेक्ड गर्ल है, ठीक है, नेक्ड गर्ल यानी इसने वस्त्र दाउन धारण नहीं किए हुए हैं। और दोस्तों इसने आप देखे कि यहाँ हाथ में क्या पूरे हैं, बैंगल्स पहने हुए हैं, यहाँ पे गले में इसने हार भी पहना हुआ है यानी एमलेट से पहना हुआ है और यहाँ पे देखिए उन्होंने ब्रेसलेट भी पहना हुआ है, ठीक है। और ये दोस्तों त्रिभंगा स्टाइल में खड़ी हुई है यानी एक ऐसी डांसिंग पोस्चर में ये खड़ी हुई है, ठीक है। तो ये आपको ये सारी चीजें किसके बारे में ध्यान रखनी है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल के बारे में सारी चीजों को ध्यान में रखना है गाइस। उसके बाद दोस्तों टेराकोटा की फिगर है यहाँ पे, ये है हमारी टेराकोटा की फिगर्स है, देखिए इनको अच्छे से देखेगा। ये किससे मिलती थी दोस्तों, यूज टेराकोटा फिगर्स रेफर्स टू द यूज ऑफ फायर बेक्ड क्ले यानी इनको कैसे बनाया जाता था, आग भी पका के बनाया जाता था, ठीक है।
ओके तो ये आप याद रखना है। और इनमें कौन सा मेथड यूज होता था, गाइस पिंचिंग मेथड यूज होता था। और इनकी साइट्स हमें कहाँ कहाँ से मिली है, मेनली गुजरात और कालीबंगा से ये सारी चीजें मिली है। और इसके एग्जांपल्स की बात करें तो दोस्तों मदर गोडेस की फोटो मिली है और मार्क्स ऑफ होन डाइनटी, ये सारी चीजें हमें मिली है किसके, टेराकोटा की फिगराइन। तो क्योंकि मदर गोडेस की ये पिक्चर मिली है तो ये आपको याद रखना है कि ये हमें कहाँ से मिली है दोस्तों, ये हमें सब मिली है कहाँ से, गुजरात और कालीबंगा वाले एरिया से ये सारी चीजें मिली। प्लीज यार एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए आप सभी लोग, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके। और गाइज आपको कोई समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज एक बार पूछ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे मदर गोडेस की हमें क्या मिली है, फिगर मिली है बहुत सारी इंडस साइट से, ठीक है। तो ये मदर गोडेस है दोस्तों, इसने क्या क्या पहना हुआ है दोस्तों, इट इज अ क्रूड फिगर ऑफ स्टैंडिंग फीमेल अडोर्न विद नेकलेस हैंगिंग अवर, ठीक है, नेकलेस देखिए ये इसका नेकलेस है गाइज। उसके बाद में दोस्तों सी वियर्स आर लोअन क्लोथ्स एंड अ ग्रीडल, ठीक है, ये देखिए इसने क्लोथ्स पहने हुए हैं। सी आल्सो वियर अ फैंसी हेड गियर, देखो इसने ये एक मुकुट सा पहना हुआ है। यहाँ पे द फेशियल फीचर आर शोन वेरी क्रूडली एंड लैक्स फाइननेस, यहाँ पे थोड़ा सा क्रूड दिखाया गया है इसको। और सी वॉज प्रोबेबली वर्शिप फॉर प्रोस्पेरिटी, सी माइट आल्सो हैव बीन गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कल्ट, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको किसके लिए ध्यान रखनी है, मर्डर गोडेस की, और ये पिक्चर मिली है हमें, ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं पोटरी की, ठीक है, ये पोटरी होती थी ऐसी हड़प्पा की पोटरी है गाइस, और इसको पोटरी को हम क्या बोलते हैं, रेड एंड ब्लैक पोटरी। अब रेड एंड ब्लैक पोटरी क्यों बोला है मैंने गाइस, रेड एंड ब्लैक पोटरी इसलिए बोला है क्योंकि इसका जो बनी हुई है कैसे रेड कलर है ना, ये रेड कलर है, वो जो इस पे डिजाइनिंग है, इस पे लाइनिंग है, वो किस कलर की है, ब्लैक कलर की। तो मैंने इसको क्या बोला है, ब्लैक कलर की है गाइस, तो इसको रेड एंड ब्लैक मैंने बोला है। ओके गाइस नाउ अब देखो यहाँ पे द पोटरी इज फाउंड एज द एक्सकावेशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड, दो काइंड में इसको डिवाइड किया है मैंने, ठीक है। दो काइंड में कौन कौन सी है दोस्तों, एक तो प्लेन पोटरी मिलेगी और एक हमें मिलेगी पेंटेड पोटरी। तो ये एग्जाम्पल किसका है गाइस, पेंटेड पोटरी का, ठीक है। और प्लेन पोटरी कौन सी है, ये है हमारी प्लेन पोटरी, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और गाइस इस प्लेन इस पोटरी को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, देखो एक तो प्लेन पोटरी है जो किसके लिए यूज होती थी, हाउस होल्ड पर्पजेस के लिए यूज हो रही है। हाउस होल्ड पर्पजेस में क्या करेंगे, देखो ये वाली पोटरी है, तो पोटरी ऐसी होती थी, आज भी घरों में आप उनको यूज करते हैं ना गाइस, ये पोटरी है हमारी, तो इसमें क्या करते हैं, हम अनाज को स्टोर कर रहे हैं ना, ग्रेन स्टोरेज करते हैं, स्टोर करते हैं ना ग्रेन को, तो ये आपको याद रखना है, ओके। और दूसरा होता था मिनिएचर वेसल्स होते थे, यानी ये डेकोरेटिव पर्पज के लिए यूज होती थी, ठीक है, ये वाली डेकोरेटिव पर्पज के लिए यूज होती थी। और दूसरी एक आती थी दोस्तों पोटरीज विद परफोरेटेड, यानी ये किसके लिए यूज होती थी, इनके अंदर एक होल होता था, देखिए ये होल हो रहा है, तो ये किसके लिए यूज होता था, ये दे माइट हैव बीन यूज फॉर स्ट्रेनिंग लिकर, तो इसके लिए भी यूज होता। तो तीन तरह की पोटरी होती है, क्या क्या याद रखना, प्लेन पोटरी, मिनिएचर पोटरी, और एक होती थी परफोरेटेड पोटरी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर दोस्तों इनको ऑर्नामेंट्स पहनने के भी काफी शौक हुआ करते थे, यानी गहने भी काफी पहनते थे, और बोथ मैन और वुमेन्स दोनों यहाँ पे गहने फैला करती थी। क्या क्या पहनते थे वो, ग्रिडल्स, इयर रिंग्स भी, देखो ये सब हड़प्पा के क्या है, हमारे गहने ऑर्नामेंट्स हैं, ठीक है, हड़प्पा के ऑर्नामेंट्स हैं। यहाँ पे क्या क्या होते, इयर रिंग्स होती थी, एंकलेट्स होते थे, ठीक है, ये सारे किसके द्वारा, वुमेन के द्वारा पहने जाते थे, ठीक है। और दोस्तों ये कहां कहां से हमें मिले हैं, ये हमें मिले हैं चहुंदड़ो से और लोथल से, ओके गाइस। तो ये सारी चीजें आपको याद रखने। फैब्रिक की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे कॉटन और वुल ये सारे यूज हुआ करते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, जो हड़प्पा के लोग होते थे दोस्तों बहुत ही कॉन्सियस होते थे फैशन को लेके, यानी आप देखोगे कि वो गहने भी पहन रहे हैं, ठीक है, उनकी हेयर स्टाइल आप देखोगे, वो बियर्ड भी रखे हैं, आजकल बिल्कुल शेव वेव करा के, कटिंग बिल्कुल एकदम परफेक्ट होती थी उनकी, हेयर स्टाइल परफेक्ट होती थी, यानी वो फैशन को लेके काफी कॉन्सियस थे, हड़प्पा के लोग थे वो, जो फैशन को लेके काफी यहाँ पे कॉन्सियस होते हैं गाइस। एक दोस्तों हमें मिला है बियर्डेड प्रिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये हमें कहाँ पे मिला है दोस्तों, ये हमें मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से हमें ये सारे मिले हैं, ठीक है, तो ये चीजों को आपको याद रखना। देखिए ये बियर्डेड प्रिंस है, इसके आप हेयर देखिए, इसके आप प्रॉपर देखिए दाढ़ी देखिए, और इसने एक सोल ओढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। कोई इसको बियर्डेड प्रिंस बताता है, कोई इसको
किंग्स भी बताता है, यानी किंग भी बताता है, वहां का राजा हुआ करता होगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है गाइस। उसके बाद में दोस्तों एक रेड सैंडस्टोन की फिगर मिली है, यानी इसको हम मेल टोर्सो भी बोलते हैं, और इस अनदर स्पीसीमैन ऑफ रॉक स्कल्पचर द टोर्सो हैज फ्रंटल पोर्शन विद बैक सोल्जर आर प्रोमिनेटेड एब्डोमिन। देखा, इसका जो एब्डोमिन है थोड़ा सा निकला हुआ है गाइस, और इसके जो सोल्जर्स हैं वो यहाँ पे सॉकेट होल लगे हुए हैं दोनों के, ठीक है। फॉर प्रोबेबली द अटैचमेंट ऑफ हेड एंड आर्म, लेकिन इसका आर्म हेड नहीं है गाइस, ठीक है, इसका हेड नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी फिगर्स वहां पे मिली थी, कौन कौन से स्कल्पचर कहाँ पे मिले हैं, उसकी क्या 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 है दोस्तों खासियत है, ये सारी हमारी आएंगे स्कल्पचर में, ठीक है। तो प्लीज एक बार मेरे को सभी लोग बताइए कि आपको समझ में आया जो मैंने बताया, वो समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको अच्छे से आप रिविजन कीजिएगा, बहुत फायदा इससे आपको होने वाला है गाइस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है गाइस, और बाकी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप मेरा प्लस पे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज रेफरल कोड यूज कीजिए शिव10 गाइस, और यहाँ से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और हम अभी हिस्ट्री की बात करें तो दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री मैं आपके लिए कवर अप कर रहा हूँ, एंशियंट प्लस मॉडर्न दोनों हिस्ट्री हमारी चल रही है, ठीक है। तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिए, प्लस पे मैं बहुत डिटेल में सारी चीजों को डिस्कस करूंगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ रिविजन करेंगे, ठीक है गाइस। तो अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप जुड़ जाइए, यहाँ से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए गाइस वो मिल जाएगी, ठीक है। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे, और कल हम करेंगे मौर्यन आर्ट, कल करेंगे दोस्तों मौर्यन आर्ट, मौर्यन आर्ट होगी दोस्तों, मौर्यन आर्ट के बारे में, यानी मौर्य स्थापत्य कला स्कल्पचर के बारे में कल हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, प्लीज एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और दोस्तों रिवीजन करते रहिए, ठीक है, ठीक है, रिवीजन करोगे उतना ही आपको चीजें क्लियर होंगी, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं फिर कल, आज के लिए टाटा बाय बाय।